दोस्तों, ठग ऑफ हिंदुस्तान करीबन 200 साल पुरानी भारत की एक ऐसी सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है जिसके ऊपर ब्रिटेन के राइटर फिलिप मैकडो टेलर ने 1839 में एक पूरी किताब ही लिख डाली थी। जी हाँ, ये कहानी है भारत की ठगों की जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिला दी थी। कहा जाता है जब अंग्रेजों से हमारे देश के लगभग सारे राजाओं ने हार मान लिया था तो ये ही ठग थे जिन्होंने अंग्रेजों के नाकों में दम कर रखा था। उन्हें पता ही नहीं चलता था कि यात्रा पर निकले लोग गायब कहाँ हो जाते हैं। व्यवसायी हो या यात्री या फिर कोई अंग्रेज सिपाही ही क्यों ना हो, किसी का कोई पता नहीं चलता था। सफर पर निकले लोग रहस्यमय तरीकों से गायब हो रहे थे। पुलिस की फाइलें लापता लोगों की शिकायतों से भरती जा रही थी। इन लुटेरों का दिल्ली से लेकर ग्वालियर और जबलपुर तक इस कदर खौफ था कि लोगों ने इस रास्ते से जाना तक बंद कर दिया था। आलम यह हो गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को एक फरमान जारी करना पड़ा। फरमान के मुताबिक कोई भी सैनिक या यात्री इक्का दुक्का यात्रा नहीं करेगा, लोग हमेशा समूह में ही घर से बाहर निकलेंगे। फिर भी ये ठग इतने सातिर थे कि पूरे के पूरे समूह को ही अपने जाल में फंसा लेते। इन्हीं ठगों की कहानी है ठग्स ऑफ हिंदुस्तान। दोस्तों, इस फिल्म में आपको पहली बार एक साथ काम करते हुए दिखेंगे फिल्म इंडस्ट्री के दो महानायक आमिर खान और अमिताभ बच्चन। आपको बता दूं कि इससे पहले अमिताभ बच्चन आमिर खान के साथ बहुत पहले लगान मूवी में ऑफ स्क्रीन काम किया है जहां उन्होंने फिल्म में सिर्फ अपनी आवाज दी है। साथ ही ठग ऑफ हिंदुस्तान में इनके साथ होंगी कैटरीना और फातिमा सना शेख। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने वाले ये लुटेरे कोई मामूली लुटेरे नहीं थे। देखते ही देखते बहुत ही कम समय में लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इन ठगों से ईस्ट इंडिया कंपनी इतनी डर गई कि वो इन्हें पकड़ने के लिए सन 1809 में कर्नल स्लीमैन को ब्रिटेन से बुलाया। लुटेरे इतने चालाक थे कि जब कर्नल अपने सिपाहियों के काफिले के साथ जबलपुर आ रहा था तो उनसे 2 माइल दूर चल रहा आखिरी काफिला रास्ते से ही गायब हो गया और कभी लौट के नहीं आया। हालांकि कर्नल स्लीमैन को शुरुआती जांच में ही पता चल गया कि इन गायब होते लोगों के पीछे ठगों का एक बड़ा गिरोह काम कर रहा है जो जबलपुर और ग्वालियर के जंगलों में भटकता रहता है। कर्नल स्लीमैन दिन रात तहकीकात करने में लगा रहा। आखिरी में उसे पता लगा कि इन ठगों की कुल संख्या 500 के आसपास है और ये अपनी एक खुद की ही भाषा का इस्तेमाल करते हैं जिसे रामूसी कहते हैं। दोस्तों, यह एक सांकेतिक भाषा है। इन ठगों में आपस में 4 तरह की टोली बटी होती थी। पहली टोली की ठगों का काम था सफर पर निकलने वाले मुसाफिरों के साथ मुसाफिर बन के उनके साथ घुल मिल जाना। मुसाफिर इन्हें पहचान नहीं पाते थे। 1-2 दिन में ही ये ठग पता कर लेते थे कि इनके पास कितना पैसा और खाने पीने की चीजें हैं और फिर ये दूसरी टोली को खबर कर देते और उनके आने के बाद रात के खाने में बहुत ही चतुराई से ये ठग बेहोशी की दवा मिला देते। जब व्यापारियों का झुंड बेहोश हो जाता तो ये अपना काम शुरू करते और बारी बारी से सबका गला घोट कर मार देते, जिसके लिए वो एक मामूली सा रुमाल इस्तेमाल करते जिसके दोनों छोरों पर एक एक सिक्का बांध कर उसे मुट्ठी में फंसा लेते। फिर तीसरा गिरोह आता और इन मुसाफिरों का पैसा, गहने, कपड़े, खाने पीने की चीजें, जो कुछ भी हाथ लगता उसे लूट लेते। और चौथा गिरोह इन लाशों को ठिकाने लगाने का काम करता। जंगल में ही एक बड़ा सा गड्ढा खोदा जाता। लाशें कम जगह लें इसलिए उनके पैरों की हड्डियां तोड़ दी जाती थी। इसीलिए गायब हुए काफिलों में से पुलिस को कभी किसी की लाश तक नहीं मिली। इन ठगों का सरदार था बहराम ठग। कर्नल स्लीमैन ने इसके कई साथी ठगों को पकड़कर सरेआम फांसी दे दी, लेकिन उसका निशाना था बहराम ठग। आखिर 10 सालों तक चकमा देने के बाद कर्नल ने उसे पकड़ ही लिया। बहराम ठग ने अपने सारे गुनाह कबूल किए। दोस्तों, उसने 100, 200 या 400 नहीं बल्कि पूरे 931 हत्याएं खुद अपने उस एक छोटे से रुमाल से की थी। धीरे धीरे बाकी के सारे ठग और उनके गुनाह सामने आने लगे। अभी तक पूरे विश्व के इतिहास में इतनी बड़ी तादाद में हत्याएं कभी नहीं हुई थी। गिरफ्तारी के 1 साल के बाद बहराम ठग को सबके सामने पेड़ से लटकाकर फांसी दे दी गई। ठग बहराम का कबूलनामा जिस फाइल में दर्ज हुआ उसे आधार बनाकर एक किताब लिखी गई जिसका नाम था कन्फेशन ऑफ ठग, जो अपने जमाने में ब्रिटेन की बेस्ट सेलर बुक रह चुकी है। ठग ऑफ हिंदुस्तान इसी किताब पर आधारित फिल्म है। फिल्म में आमिर खान ठग बहराम का किरदार निभाते नजर आएंगे और अमिताभ बच्चन इसके साथी ठग सैयद आमिर अली का किरदार निभाएंगे। आपको बता दूं कि ठग बहराम का किरदार पहले ऋतिक रोशन को दिया जाने वाला था, लेकिन उनके मना करने के बाद ये रोल आमिर खान को मिला। दोस्तों, आपको क्या लगता है,
ये फिल्म रजनीकांत और अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म रोबोट 2 को पीछे छोड़ पाएगी? कमेंट में हमें जरूर बताएं। और ऐसे ही वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल के बटन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।